वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप सभी को ले जा रही हूँ मेला। हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इकलौता ये बड़ा मेला आया हुआ है। और भी मेला है यहाँ, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं, यही है जो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा। लेकिन अदर स्टेट के लिए ये शायद उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे स्टेट के लिए ये काफ़ी बड़ा है। लोकेशन है दोईमुख नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए मैं आप सभी को ले जा रही हूँ इस मेला की सैर कराने। तो एंट्री फी है 10 रुपीस, और अंदर जाके आप जो भी आप खाना चाहते हो, सैर करना चाहते हो, तो उसमें अलग से पैसे लगेंगे। तो यहाँ से एंट्री यहाँ से है, एग्जिट वहाँ से है। तो हम एंट्री करें इस साइड से। तो हम मेरे साथ आए हैं मेरे बड़े भैया, मेरे भाई दोतू और मेरे फ्रेंड, ये गर्ल जो मेरी फ्रेंड है। तो मेला एंटर करते हुए मुझे इतने सुंदर सुंदर यहाँ केरामिक, ये सब, ये देखिए ये बैग वाले डिज़ाइन के बनाए, ये बहुत हार्ड है, ये सब जस्ट डेकोरेशन के लिए है। और ये क्राफ्टेड हैंड क्राफ्टेड केरामिक प्रोडक्ट है, ये जो है आपका क्ले से बना हुआ है, हैंड क्राफ्टेड है। और ये हैंड वॉश स्टाइल में बना है, हैंड वॉश है वो। और ये है पिगी बैंक, और भी बहुत सारे आपको डेकोरेशन करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं यहाँ, जार्स है और बहुत सारे कप्स है, बहुत सारे सुंदर सुंदर हैं। ये बहुत यूज़फुल है और लास्टिंग भी होगा ऐसे कह रहे हैं। और भी बहुत सारे फूल बास है, या आप फ्लावर बास या रख सकते हैं। और ये देखिए इतनी क्यूट वाले कप है ना छोटे से, यहाँ आप टी पी सकते हैं, ग्रीन टी हो या रेड टी जो भी। और बहुत सारे यहाँ कप्स है, बहुत सारे किचन आइटम आपको मिल जाएंगे, और इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे सामान मिल जाएंगे जो आप मॉल में जाके या मार्केट में जाके आपको लेना होगा, यहाँ आपको मिल जाएंगे सारे। और ये देखिए ये खूबसूरत सा क्यूट सा एक रेस्टोरेंट, यहाँ आप बैठ के आप अपने मील खा सकते हैं। और ये देखिए ये है पिकल शॉप, यहाँ आपको हर तरह के पिकल मिल जाएंगे, खट्टा मीठा हो या नींबू आम अचार, हर तरह के इंडियन पिकल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए शॉप, क्या क्या शॉप है हम देखते हुए यहाँ से जा रहे थे। और बहुत सारे आपको यहाँ जूस शॉप मिल जाएंगे, और यहाँ तरह तरह के आपको फ्लेवर वाले मिल जाएंगे, खाने पीने के यहाँ कोई कमी नहीं है। आप इंटरेस्टेड है तो आप ट्राई कर सकते हैं तरह तरह के फ्लेवर, ये कौन फ्लेवर वाले जूस भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ ट्राई कर सकते हो। और देखिए यहाँ चाय बन रहा है, यहाँ आपको मसाला चाय मिलेगा पीतल के बर्तन में, बहुत ही हेल्दी है आई गेस, मुझे भी चाय बहुत पसंद है। और यहाँ भी आपको खाने पीने के लिए हर सामान मिल जाएंगे, और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने के लिए आपको तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। तो बड़ों के लिए तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ खेल सकते हो, और यहाँ सर्विस भी है जहाँ आप वीडियो कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ बड़ों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ ट्राई करने के लिए सोचा, लेकिन एक्चुअली काफ़ी डरावना है। तो कमज़ोर दिल वालों के लिए तो यहाँ मना है एंट्री के लिए, और प्रेगनेंसी वुमेन को के लिए भी मना है, और छोटे बच्चे को भी काफ़ी चीज़ों में एंट्री नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे ट्राई करते हैं, चलिए। तो कमज़ोर दिल वाले प्लीज़ कभी ट्राई मत कीजिएगा, और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डरावना है। दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन जब ये जो स्पीड बढ़ता है ना, बिल्कुल भी ये यू नो कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ इंसिडेंट भी हो चुका है। तो मैंने ट्राई किया था ये, तो ये काफ़ी डरावना था एक्चुअली। मैं
ज़्यादा नहीं आती हूँ मेला, तो मुझे ये सब ट्राई करना पसंद नहीं है, लेकिन भी यू नो कभी कभी तो अपने डर को भगाना पड़ेगा ना। तो मैंने ट्राई किया तो काफ़ी डरावना था, तो मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोग अपने अपने यू नो पसंद की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं बड़ों के लिए। तो यहाँ कम से कम 4 से 5 चीज़ें हैं आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये ट्राई करने के लिए, ये रिंग फेंक के जो पैसे मिलते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। ये काफ़ी फ्रॉड है ये गेम, और ये रिंग का जो वेट है वो पेपर साइज है, और आपको यहाँ बिल्कुल भी कभी भी आपको यू नो जीतने नहीं मिलेगा आपको ये पैसे, आप बिल्कुल भी कभी पा नहीं सकोगे क्योंकि ये सब फ्रॉड है गेम। तो हम लोगों ने जितना भी फेंका था रिंग, एक भी नहीं लगा बिल्कुल भी, हम 1 रुपये भी यहाँ से कमा नहीं पाए। तो कुछ गेम खेलने के बाद मेरी तो पूरी हालत खराब हो गई। उसके बाद हम चले मेला की सैर करने। और तो गाइस देखिए ये कितनी सुंदर वाली टियारा है, ये है फेडरल स्वारे टियारा जिसमें लाइट भी लगा हुआ है, और बहुत सारे हमें हेडबैंड्स है, टियारा है फ्लावर वाले, और बहुत सारे हेडबैंड्स है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो आपको कहीं और मार्केट में शायद देखने को नहीं मिलेंगे, यह आपको मेला में ही देखने को मिल रहा है। तो फिर से हम ये ट्राई करने आए हैं, ये वाला भी काफ़ी डरावना है, डरावना लग रहा है, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे। चलिए, तो मेरे भाई दोनों भी पीछे बैठे हुए हैं, मेरे फ्रेंड सामने हैं, तो हम इसे अभी ट्राई करेंगे। मेरे फ्रेंड्स ये वाले ट्राई कर रहे हैं, और मैं तो डर के मारे नहीं गई, और मेरे भाई का जो हालत है आप देख सकते हो काफी हालत खराब हो गई वहां से आके। तो मेरे भाई की हालत काफी खराब हो गए थे, वो भी खुद भी हार नहीं मान के ट्राई कर रहे थे, तो ऐसा ही होना था ना। तो गाइस देखिए यहाँ कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज है, यहाँ बहुत सारे इयर रिंग्स है और चेन है, बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैं, काफी बड़ी दुकान है ये, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। तो उसके बाद हम ये ट्राई किए हैं फॉग वाले, ये यहाँ से जो धुआं निकलता है ना आइसक्रीम वाले फॉग वाले, तो ये एक्चुअली आइसक्रीम है नहीं, ये मंच टाइप का है, क्रंची वाले है कुछ। उसके बाद इसका प्राइस भी काफ़ी हाई था, इतना छोटा सा कप में ही यू नो 100 रुपीज़ कर रहे थे पर कप। और तो ये जस्ट फन के लिए है, मैंने और मेरे भाई लोग ने, मेरे फ्रेंड लोग ने ट्राई किया थोड़ा। तो मेला आज हम लोगों ने घूम लिया, तो आप भी यहाँ आ सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं हमारे ये बड़े भैया के घर, वहाँ हम लोग मिलकर डिनर करेंगे। तो फाइनली हम अपने बड़े भैया के घर पहुँच गए हैं, और अभी बहुत थके थे तो रेस्ट कर रहे हैं, और ये मेरे फ्रेंड है, काफ़ी दिनों के बाद मिले थे इसलिए आज हम साथ इसे मेला ले गए थे। फाइनली हम लोग मेला से वापस आ गए, अब हम यहाँ हमारे भैया के घर में आए हैं यहाँ डिनर करने। तो भैया अब डिनर बना रहे हैं हमारे लिए, चलो देखते हैं। तो डिनर में बन रहा है ये है बॉयल, तो हम बॉयल बना रहे हैं बॉयल सब्जी, ये है कद्दू पत्ता जिसे हम बॉयल करके खाएंगे, और हम बना रहे हैं ये है चटनी बना रहे हैं हम, ये लोकल चटनी बना रहे हैं, ये है हम इसे कहते हैं हाथी मिर्चा। तो मैं खाना सर्व कर रही हूँ, मैं चावल निकाल रही हूँ, और ये है बॉयल भी रेडी है, ये पिकल चटनी और है पोर्क के साथ हम खा रहे हैं, ये है आम का अचार, और आप ये देखिए ये है लोकल ये जो हम बम्बू शूट से बनाए हुए हैं, ये पिकल है, यहाँ आपको हाथी मिर्चा जो बड़ी वाली मिर्च है उसके साथ ये मिक्स करके बनाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यहाँ लोकल चीज़ भी मिक्स है। तो इस तरह हम डिनर खाते हैं।
तो डिनर खाने के बाद भैया बड़े भैया हमें अपने अपने घरों में पहुंचा रहे हैं। तो रात भी हो गए है ऑलमोस्ट, तो अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सभी को, और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और आने वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल।